दौसा के बिलोना कला गांव में दिन दहाड़े बैंक में लूट, हथियारों के दम पर करीब 8 लाख की नकदी लूट ले गए बदमाश। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा में वारदात, पुलिस जुटी जांच में। बारा में गोजा एसीबी की बड़ी कार्यवाही, सरपंच और दलाल सरकारी अध्यापक ट्रैप, दुकान से जुड़े मामले में ली 8,000 की घूस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ओटीएस में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन, आजादी से अब तक के निर्वाचन के सफर को दर्शाया। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर, जियारत करने पहुंचा पाक जायरीन का जत्था, पीएम मोदी की चादर भी पहुंची। पीसीसी दफ्तर में अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 30 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा होगी पूरी, कल से देश में शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, 6 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह भारत के दौरे पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर फतेह करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल ने छोड़ी कांग्रेस, पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, ट्वीट वापस लेने के दबाव के चलते ये इस्तीफा दिया, कहा पार्टी में चमचों का बोलबाला। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 2 महिलाओं की मौत, जांच के लिए एसआईटी गठित, पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को लिया हिरासत में। शाहरुख खान की फिल्म पठान हुई रिलीज, सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंच रहे फैंस, तो इंदौर उदयपुर सहित कई जगहों पर फिल्म का विरोध। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1, टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद ने दर्शकों का जताया आभार।